बरेली पुलिस थाना शेरगढ़ में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। कहा जाता है कि पुलिस रक्षक होती है, यहाँ पुलिस वाले ही भक्षक बन बैठे हैं। हम आपको बताते हैं कि शेरगढ़ का रहने वाला साबिर अली नाम का व्यक्ति मजदूरी करता था। इसी शाम को मौर्य ढाबा पर सर्दी के चलते हुए चाय पीने गया था। वह देखा कि दो सिपाही अक्षय व दूसरा नाम मालूम सिपाही पहले दो ही नशा कर रहे थे। जब साबिर अली ने चाय के लिए कहा तो दोनों सिपाही साबिर अली से पैसे मांगने लगे और जेबें देखने लगे। वहीं से दोनों सिपाही ने साबिर अली को थाने ले जाकर नशे में इतना 3 डिग्री से पीटा और रात भर साबिर अली को पीटते रहे और इसी बीच साबिर अली का पैर टूट गया। जब परिजनों को पता चला तो परिजन रात भर इंतजार करते रहे और सिपाही साबिर अली को पीटते रहे। क्या नाम है आपका? नन्हे सा। अच्छा, कौन सी जगह है ये? मोहल्ला कसावान, वार्ड नंबर 6। अच्छा, नगर पंचायत सेलवर। क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे लड़का चाय पीने गया था होटल पे, तो उसको अच्छे पुलिस वाला शराब पी हुए था। एक उसके पुलिस वाला और साथ में था, मेरे लड़के को बहुत बेदर्दी से मारा, उसका एक पैर तोड़ दिया उन्होंने पुलिस वालों ने। अच्छा, नहीं कोई कारण था किस वजह से, मतलब थाने ले गए क्यों मारा? था और मार कूट के थाने ले गए वो। अच्छा। और थाने बंद कर दिया, मैं उसे छुड़ा के लाया हूं, तो उसके बुरे हाल है। आपने इसकी सूचना लिखित में थाने में दी? हाँ, इसकी सूचना मैंने थाने में दी और एसपी साहब के पास भी दी। अभी तक मुझे कोई भी निर्णय नहीं मिला, ना थाने से ना एसपी साहब से। क्या कहा कि आप थाने गए थे? थाने ये गए थे कि उसके मतलब खिलाफ मुकदमा करेंगे, और अभी तक मुकदमा करा नहीं। आपने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, दोबारा भी गए हम एक बार। अच्छा, अक्षय जो कांस्टेबल है वो अकेले ही थे या कोई और थे? एक सिपाही और है। एक सिपाही, क्या नाम है उनका? वो मैं पढ़ा हुआ नहीं, वो तहरीर में लिखा हुआ है, दूसरा सिपाही है। और दोबारा वो मेरे घर पे आए, जब मैं तहरीर एसपी साहब के यहाँ देके गया हूँ, दोबारा मेरे घर पे आए और उनने बच्चों को धमकाया कि मैं मुकदमा लगाऊँ तुम्हारे बच्चों के खिलाफ। अच्छा, जी आप घर पे आए थे धमकाने के लिए? जी हाँ, घर पे आए धमकाने के लिए। कौन कौन आया था आपके? अच्छे आया था और वो एक सिपाही दूसरा था जिसने मेरे लड़के को मारा है, दोनों आए। जिस समय वो आए थे घर पे महिलाएं थी या और कोई? महिलाएं थी घर पे, मैंने घर पे नहीं था। अंकल आप सर? मेरा लड़का बाईपास होटल पे गया था चाय पीने। अच्छा, और मेरे लड़के को अच्छे सिपाही जो था वो शराब पी हुए थे, दो सिपाही थे उनके साथ में। अच्छा। एक और था, एक अच्छे था जी। उसने मेरे लड़के को बुरे हाल से मारपीट कर दी। अच्छा। और मारपीट करके थाने ले आया और थाने आके उसका पैर तोड़ दिया। अच्छा। मैंने उसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई एसपी साहब के पास में, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई अभी तक। अच्छा। उसके बाद मैं एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब के यहाँ शिकायत करके आया तो अच्छे सिपाही और एक उसके साथी दोनों मेरे घर पे आया, मेरे घर वाले बच्चों को धमका रहे कि मैं तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। अच्छा, अगर शिकायत आपने वापस ना ली तो शिकायत मैं तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। अगर मैं तूने शिकायत वापस ना ली तो मैं तेरे खिलाफ। ये आपने एक्सरे कराया था? ये इनका मैंने एक्सरे कराया तो लड़के की पैर दाहिने पैर टूटा हुआ निकला, उसका मैंने परस्तर कराया, परस्तर आज ही मौजूद है। क्या हुआ था भाई साहब आपके साथ? मैं यहाँ से अपने घर से होटल पर गया था चाय पीने। अच्छा, वहाँ पे मैं चाय पी रहा था, अक्षय नाम का पुलिस वाला आया, उसने एक और था उसके साथ में। अच्छा। वो दोनों दारू पे हुए थे और मेरी जेब में हाथ डालने लगे, पैसे निकालने लगे, मुझसे बोले पैसे दो, तो मैंने कहा पैसे काहे के, तो बोला मुझे पैसे चाहिए, तो उन्होंने मेरी जेब में हाथ डाला, गाली गलौज कर रहा था उल्टी सीधी। शराब पिए हुए थे क्या? जी, दोनों शराब पिए हुए थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने मतलब मैंने उनको पैसे नहीं दिए, इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरा पैर भी तोड़ दिया, रक्षे कर दिया। अच्छा, आपको थाने भी ले गए थे? आपके पिताजी बता रहे हैं थाने ले गए थे आपको? फिर उसके बाद उन्होंने कितने दिन रखा आपको थाने में? थाने में पूरी रात रखा। अच्छा। हाँ, फिर सुबह को पापा छोड़ा लाए थे। अरे, आपको 3rd degree दी गई थी थाने जी। में क्या नाम आपका? साबिर। वो अंकल आपके साथ? मेरा लड़का साबिर अली नाम का था, वो होटल पे चाय पीने गया था। अच्छा, जगह कौन सी है ये? जगह है बाईपास। बाईपास थाना? बाईपास पे एक होटल है शेरगढ़ में ही। अच्छा, थाना कौन सा है? थाना शेरगढ़ लगता है। फिर मेरे लड़के को इनने बदतमीजी करी लड़के के साथ और मारपीट करी और थाने में ले जाके ही मारपीट करी। अच्छा। उसका पैर तोड़ दिया एक, और हमने एसपी साहब के यहाँ शिकायत करी तो फिर हमारे घर पे वो धमकाने आए। अच्छा। कि हम तुम्हें उठा के बंद कर देंगे, तुम शिकायत करने जाओ, कहाँ जाओगे? अच्छा, फिर क्या हुआ? तो आपका लड़के का पैर तोड़ दिया उन लोगों ने मारते मारते? हाँ, मैंने परस्तर करवाया लड़के का।